हेलो, मैं हूं अभिषेक और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक पुराना माइल मीटर को आप क्लीन कर सकते हैं और उसमें जो जनरल बल्ब्स जो होते हैं, मतलब ये जो जनरल बल्ब्स है इसको रिप्लेस करके आप एलईडी बल्ब्स जो होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो जनरल बल्ब्स है इसके बदले मैं यहाँ पे एलईडी बल्ब डालना चाहता हूँ। एलईडी बल्ब क्या है कि काफ़ी ब्राइट रहेगा और ये फ्यूज़ भी नहीं होता है, इसका एक दो बल्ब फ्यूज़ हो गया है तो उसको मैं रिप्लेस करके एलईडी बल्ब डालना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका गाड़ी पुराना हो गया, जैसे कि ये 10 ईयर्स पुराना, तो इसका जो ये जो ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, वो आपका पीला पड़ने लगता है। तो इसको आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पीला पड़ गया है, ये सब हो गया है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं और सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। हर एक माइल मीटर में अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली जो सिस्टम रहता है सेम ही रहता है, किसी किसी में ये चिपकाया हुआ रहेगा। अभी देखिए इसको कैसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप पहले देखिएगा ग्रुप्स, देखिए कितना डट्टी है, ये पूरा डस्ट और ये सब पूरा इसमें भरा हुआ है। और ये देखिए ये कितना, मतलब इसको एक्चुअली ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए लेकिन ये पूरा गंदा है। तो किसी किसी माइल मीटर में ये लोकली मिलता है, अगर ये ग्लास आपको लोकली मिल गया एज ए स्पेयर पार्ट तो ये खरीद के आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, काफ़ी अच्छा। देखिए यहाँ पे अंदर भी कितना गंदा है, इसमें यहाँ पे पूरा डस्ट है, तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। अब इसको आपको ओपन करना है ये बला को, देखिए ये भी अंदर में गंदा जो रीडिंग्स है और यहाँ भी काफी डस्ट है, तो इसको क्लीन करने के लिए मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा इसे यहाँ पे आपको। और ये जो स्क्रू आप ओपन कीजिए उसको एक जगह रख के आप याद रखिए कि कहाँ से कौन सा स्क्रू ओपन किए थे, नहीं तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो कहाँ पे बड़ा स्क्रू था, कहाँ छोटा था, आपको याद रखना चाहिए। एक एक सेट, एक एक टाइम आप रख सकते हैं एक एक जगह। काफ़ी इजी है, कुछ स्क्रूज है बस। देखिए आपका ये आ गया, ये आ गया, आप देखिए ये काफ़ी गंदा है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ भी देखिए कितना गंदा अंदर में, और ये इसी कारण क्या होता है कि आपका जो लाइट जलता है वो ब्राइट नहीं होता, यहाँ पे काफ़ी डस्ट जमा हुआ है, यहाँ भी काफ़ी डस्ट है। तो मैं बताऊंगा कि अच्छा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी एक बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप अपना माइल मीटर रीडिंग, ये जो माइल मीटर रीडिंग है यहाँ पे, जैसे कि ये गाड़ी में आपको शो कर रहा है 54,855 किलोमीटर, अगर आपको इसको कम करना है, सपोज मैं चाहता हूँ कि 30,000 कर दूँ या 20,000 कर दूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको रीडिंग काफ़ी कम मिलेगा किसी किसी गाड़ी में, मतलब गाड़ी 5 साल पुराना है लेकिन सिर्फ चला हुआ है अराउंड 25,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, तो हमें ये लगता है कि वो गाड़ी थोड़ा पुराना है लेकिन काफ़ी कम चला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में तो है। लेकिन मैं आप जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप अपने माइल मीटर की रीडिंग को कि कैसे इजिली विद इन 20 मिनट्स आप चेंज कर सकते हैं, कैसे आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्लीन कर सकते हैं अपने जो माइल मीटर, पुराने माइल मीटर को, और काफ़ी इजी है। काफ़ी सारे स्क्रूज होते हैं, सब स्क्रूज को एक जगह रखिए, आपको याद रहेगा कि कहाँ से कौन सा स्क्रू आप ओपन किए थे, तो नेक्स्ट टाइम असेंबल करने में इजी होगा। देखिए आपका ये हो गया,
ये आपका फ्यूल इंडिकेटर हो गया, ये आपका जो टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया, ये भी देख रहे हैं आप कितना मतलब इसमें डस्ट जमा हुआ है। अच्छा एक चीज़ आप इसमें गौर कीजिएगा कि कभी कभी मतलब जो ये होता है, ये जो फ्यूल इंडिकेटर होता है एक्चुअली ये हार्ड होता है, ठीक। इसको आप जहाँ रख देंगे वहीं पे रहेगा ये। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आप अगर गाड़ी स्विच ऑफ कर दिए तो ये जहाँ पे था वहीं पे आपका फ्यूल इंडिकेटर रह जाएगा, लेकिन ये जो टेम्परेचर इंडिकेटर रहता है अगर यहाँ पे मैं डाले, देखिए ये स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ इसे करूँगा तो ये नहीं होगा। अब मैं बताऊँगा कि आप इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली इसको आप ब्रश और माइल्ड सोप से आप क्लीन कर सकते हैं। ये सब पार्ट है, ये सब पार्ट के लिए आप थोड़ा सा मतलब जो कार शैम्पू होता है वो यूज़ करके थोड़ा सा आप हल्का पानी, मतलब ज़्यादा इसको वेट नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो आप क्लीन हो जाएगा। देखिए कितना इसमें ये है, तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा पानी लेकर के, थोड़ा सा शैम्पू आप लेकर के इसको क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा शैम्पू मत, हल्का सा लाइट, तो ये आपका क्लीन हो जाएगा जो डस्ट है, और ये जो आपका पीलापन है वो भी यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं इसको, आप केयरफुल रहिए, मतलब इसको डैमेज नहीं करना है आपको, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं इसको, अच्छा से क्लीन हो जाएगा। उसी तरह आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसे करके सेम स्टाइल में आप क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद ये हो गया, तो इसको आप डायरेक्टली डायरेक्टली इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट या कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा मीन्स ब्रश लेकर के आप पूरा क्लीन कर सकते हैं। ये प्लास्टिक आइटम है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों मतलब पीछे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ये है, यहाँ पे पूरा सर्किट है, तो इसमें आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसी तरह जो सर्फ और शैम्पू वाला आपका जो है उसी से आप इसको क्लीन कीजिए, इसे वेट मत कीजिए, पूरा कंप्लीट वेट मत कीजिए, ऐसे ऐसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये मेन जो आपका जो स्क्रीन है यहाँ को, इसको आप क्लीन कर सकते हैं इस तरह से, तो आपका जो लाइट आएगा वो पूरा ब्राइट आएगा, यहाँ से कुछ भी बीच में डस्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये स्क्रीन्स आप क्लीन कर सकते हैं। और जो मेन जो ग्लास है इसको आप थोड़ा सा अगर येल्लो हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो टूथपेस्ट रहता है जहाँ पे येल्लो हो गया है पूरा में, अगर ब्लैक हो येल्लो हो गया है तो आप अच्छा, अगर आप कहीं मिलता है अगर स्पेयर पार्ट, कभी कभी क्या होता है कि सारे गाड़ी के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं आते, इस मतलब पूरा कंप्लीट सेट ही आता है, अगर आपकी गाड़ी के लिए अगर है, अगर आप मार्केट में पूछिए एक बार, तो अगर पूरा ये मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, और अगर नहीं मिलता है या बहुत बहुत कॉस्टली है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर येल्लो हो गया तो थोड़ा सा आप इसमें टूथपेस्ट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे येल्लो हुआ है, ये सब लगभग ठीक है, यहाँ पे येल्लो है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टूथपेस्ट से थोड़ा इसको रब कर सकते हैं, तो रब करने से क्या होगा कि वो जो येल्लोपन जो है आपका, येल्लोइश जो है वो एक्चुअली, ये जो टूथपेस्ट होता है उसमें कैल्शियम के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एज ए स्क्रबर काम करता है, तो जैसे ही आपको रब करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो धीरे 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 आपका वो येल्लोपन है जो आपका चला जाएगा, और थोड़ा सा देख रहे हैं आपको थोड़ा क्लीन मिलेगा यहाँ पे, आप ट्राई कीजिए इसको, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप असेंबल कर सकते हैं सबको, तो तब तक क्लीन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसमें जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे इसको ये जनरल बल्ब को आप हटा करके एलईडी बल्ब डाल सकते हैं, और इसको कैसे आपको फुल असेंबल कर सकते हैं, और एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो आपका माइल मीटर रीडिंग है इसको आप कैसे अल्टर कर सकते हैं, 0 पे डाल सकते हैं या अपना
अगर सपोज इसको कम कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। ठीक, थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।